समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। निशुल्क प्रकाशन के लिए दिनांक 28 अक्टूबर। क्षत्रिय युवाओं को पुलिस और सेना में आरक्षण चाहिए। कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह क्षत्रिय समाज का दशहरा मिलन मनाया गया। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के द्वारा शस्त्र पूजन एवं दशहरा मिलन का आयोजन शहर स्थित शिवालय वाटिका विवाह घर में किया गया। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रभु श्री राम की सभी के द्वारा पूजा की गई, शस्त्र पूजन किया गया। सभी ने एक दूसरे को पान खिलाया और गले मिलकर विजयदशमी पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर सभा का आयोजन भी किया गया। सभा को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह ने सभी को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार से भी मांग है कि क्षत्रिय जाति को पुलिस और सेना में आरक्षण दिया जाए, क्योंकि हमारा जातिगत काम यही रहा है। साथ ही कहा कि आज हम क्षत्रिय समाज और धर्म एवं समाज की वर्तमान दशा और उपाय के सुधार के विषय में विचार करने के लिए बैठे हैं। क्षत्रिय समाज को इतिहास से सीख लेकर उन्नति के प्रयास करने होंगे। हमारा धर्म मानवता की सेवा है, सद्भाव और एकता ही धर्म है, दूसरों का भला करना है धर्म। हमने प्रगति करना छोड़ दी है, हम खरगोश की तरह सो गए। दूसरी तरफ लोग कछुए की तरह निरंतर चलते रहे, इसका परिणाम ये हुआ कि समाज पीछे रह गया। हमें अब लगातार मेहनत करनी होगी। मुख्य अतिथि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुल सचिव विनय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षा ही जीवन का आधार है, शिक्षा के बिना कुछ नहीं होगा। कोई भी समाज अपने जीवन के मूल्यों को स्थापित करके ही आगे बढ़ पाता है। क्षत्रिय समाज के हमेशा से ही जीवन के मूल में त्याग और बलिदान रहा है। वर्तमान में हमें भी अपने अहम को त्याग कर अभिमान को बलिदान करके आगे बढ़ना है। राष्ट्रीय महासचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि हम कब तक इतिहास में जीते रहेंगे, अब फिर से इतिहास नहीं दोहराएंगे, हमें मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। आज समाज ने हमें आगे बढ़ने के लिए बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने का कोई और तरीका नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने कहा कि समाज के सामने चुनौतियां हैं, लेकिन हम इन चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ेंगे। जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजावत ने कहा कि हमें लगातार आर्थिक आधार मजबूत करने के लिए काम करना होगा। जो बच्चे पढ़ सकते हैं वे मेहनत करके पढ़ें, और जो तकनीकी कार्य कर सकते हैं उन्हें बचपन से ही तकनीकी कार्य सिखाएं। नगर अध्यक्ष विक्रम सिंह राजावत ने कहा कि हमें कुरीतियों को त्यागना होगा, दहेज प्रथा बंद करनी होगी, लड़कों की शादी में दुर्व्यवहार बंद करना होगा। आज के कार्यक्रम में मुख्य रूप से राम स्वरूप सिकरवार, आदित्य शेखर सिंह, डीपी सिंह परिहार, ब्रजेंद्र सिंह राठौर, भूपेंद्र सिंह परिहार, नंद कुमार सिंह, देवेंद्र सिंह चौहान, तेजेंद्र सिंह चौहान, राजेश भदौरिया, शरद प्रताप सिंह एडवोकेट, जितेंद्र सिंह सेंगर, धर्मेंद्र भदौरिया, लोकेंद्र परिहार, देवेंद्र सिंगर, मधुपाल सिंह, शिवा चौहान, संगम सिंह, वीरेंद्र सिंह गिसौली, पूर्व ब्लॉक प्रमुख मृत्युंजय परिहार, केपी सिंह बघेल, राघवेंद्र सिंह तोमर, आरी अरविंद सिसोदिया, ललितेश्वर सिंह, प्रदीप चौहान, राज सिंह शेखावत, राहुल गौर, मुकेश परिहार, सौरभ भदौरिया, सौरभ अग्निवंशी, जितेंद्र सिंह राजावत, अभिषेक तोमर, दीपक परिहार हसारी, यशपाल सिंह परिहार, पुष्पेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रमोद सिंह शेखावत, राजपाल सिंह, मकरंद सिंह तोमर पाल कॉलोनी, सुनील सिंह वैस, अतर सिंह, राजवीर सिंह बुंदेला, मुन्ना सिंह बुंदेला आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय महासचिव अजय कुमार सिंह ने किया। जिलाध्यक्ष दीपेंद्र सिंह राजावत और नगर अध्यक्ष विक्रम सिंह राजावत ने सभी का आभार व्यक्त किया है। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की तरफ से दशहरा मिलन का आयोजन किया गया है। इसमें तमाम क्षत्रिय समाज के लोग आएंगे और बैठ के चिंतन करेंगे कि समाज की दशा वर्तमान में जो है उसके अनुसार हम क्या दिशा अपनी रखें कि हम समाज की मुख्य धारा में रहें। समाज का चिंतन ये है अब कि वर्तमान समय शिक्षा का है, अंग्रेजी और कंप्यूटर शिक्षा का है, तो सभी से आह्वान किया गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाएँ, अच्छा शिक्षित करेंगे तो हम समाज की मुख्य धारा में आएंगे। आज समाज ने चिंतन ये भी किया कि क्षत्रिय समाज को कहीं ना कहीं पीछे कर दिया गया, और कुछ वो समाज अपने आप पीछे हो गई। बहुत हम उन्नत थे, खरगोश की तरह सो गए, बाकी लोग कछुए की तरह आगे निकल गए। तो हम सबसे कि नहीं, लगातार प्रगति करो, पढ़ो, कोई ना कोई काम करो, बैठना नहीं है, इस बात को लेकर चिंतन होगा। सरकार से मांग होगी कि सरकार ने जैसे जातिगत काम दिए हैं कि तालाब के ठेके जो हैं वो केवल मछुआरों को मिलेंगे, मल्लाह समाज को मिलेंगे, तो हमारा पुश्तैनी काम सेना और पुलिस का था, हमें भी सेना और पुलिस में आरक्षण दिया जाए। वर्तमान में क्षत्रिय समाज पीछे है, कोई उनकी चिंता नहीं करता। हर जिले में ऑफिस है समाज कल्याण, जहाँ दलितों के लिए योजनाएँ हैं, पिछड़ा कल्याण जहाँ उनकी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यक कल्याण उनकी योजनाएं हैं,
लेकिन क्षत्रिय कल्याण की कोई योजना नहीं है कि हम कहाँ जाएंगे, कौन से मुख्य धारा में जाएंगे। हमारा पुश्तैनी काम जमींदारी था, हमारी जमीनें ले गई, हम भूमिहीन हो गए, आज हम गरीब हैं। हमारी कोई चिंता नहीं करता। और हम सजा किसकी भुगतते हैं कि जो कभी इतिहास में राजे महाराजा रहे होंगे उनकी गलतियों की सजा हमें मिलेगी, जिसमें हमारा कोई दोष नहीं। तो क्षत्रिय समाज चिंतन करने के लिए है, हम बैठेंगे, चिंतन करेंगे, निर्णय लेंगे और हम फिर आगे निकलेंगे, यही कोशिश है। धन्यवाद।